इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C65 फ़ोन है, तो पोको C65 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन कलर्स वगैरह हैं, तो स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं पोको C65 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो जो आज बताने वाले हैं कि स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप कलरिंग को चेंज करके बदल सकते हैं अपने पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कलरिंग को कैसे बदल पाएंगे पोको फ़ोन में। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन कलर्स वगैरह हैं, तो स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कलरिंग को कैसे बदल पाएंगे पोको फ़ोन में। तो सिंपली आपके पास सेटिंग्स आ गई है, देख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास कलर स्कीम सेटिंग्स आ जाएगी। जो भी आप कलरिंग को चेंज करना चाहते हैं या फिर कलर्स को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। आपको विविड कलर्स पे जाना है, डिफरेंट टाइप कलर आपका स्क्रीन का हो जाएगा। एंड आप स्टूडेंट कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड आपके पास ओरिजिनल कलर सेटिंग्स भी आते हैं, इस पर ओरिजिनल कलर्स को बदल सकते हैं। और इसमें आप कलरिंग को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या आप डिफ्यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नॉर्मल कलर आपका स्क्रीन पर शो करेगा। तो इस तरीके से कलरिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने पोको फोन में और कलर्स को बदल सकते हैं। एंड आपका कलर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है अगर आपकी स्क्रीन, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से। और आपकी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, तो इसका कलर आप कैसे ला सकते हैं। तो सिंपली आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ऑफ कर देना होगा, जिससे कलर से आपका पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं पोको C65 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।